लेते हैं कांग्रेस की उत्तर प्रदेश की दूसरी लिस्ट सामने आ चुकी है। दूसरी लिस्ट में 41 कैंडिडेट हैं। 41 कैंडिडेट्स के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने कर दिया है। 41 कैंडिडेट्स में 16 प्रत्याशियों को टिकट 16 उम्मीदवारों को टिकट कैराना से हाजी अखलाक को टिकट मिला है। ये 16 महिला उम्मीदवार बताई जा रही है। दरअसल 41 कैंडिडेट्स को के नाम का ऐलान कांग्रेस पार्टी की तरफ से कर दिया गया है। दूसरी लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की, लिस्ट आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। 41 कुल कैंडिडेट हैं जिनका दूसरी लिस्ट में नाम है, 16 इसमें महिला उम्मीदवार हैं। पहले ही प्रियंका गांधी ने कहा था कि 40% सीटें जो हैं वो हम महिलाओं के लिए छोड़ने जा रहे हैं। और अब दूसरी लिस्ट में जो हम देख रहे हैं 41 कुल कैंडिडेट हैं जिसमें 16 महिला उम्मीदवारों के नाम सामने आए हैं। इससे पहले पहली लिस्ट में 125 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया था, उसमें 50 महिला प्रत्याशी थी। उन्नाव रेप पीड़िता की मां को भी टिकट कांग्रेस पार्टी ने दिया है। और दूसरी लिस्ट में कुल 41 नामों का ऐलान कांग्रेस पार्टी ने किया है जिसमें 16 महिला उम्मीदवार बताई जा रही हैं। तो राजनीतिक लड़ाई, चुनावी लड़ाई उत्तर प्रदेश की बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है, क्योंकि बीजेपी का अपना गठबंधन तैयार है सत्ता की कुर्सी पर वापस आने के लिए। वहीं समाजवादी पार्टी ने, अखिलेश यादव ने अपना एक कुनबा तैयार कर लिया है, दूसरी पार्टियों को साथ में साध लिया है, साथ में जोड़ लिया है। और कड़ी टक्कर इस समय अगर उत्तर प्रदेश में कोई दो पार्टियों के बीच है तो वो बीजेपी और साथ ही समाजवादी पार्टी के बीच है। वहीं कांग्रेस अपनी तैयारी में लगी हुई है, अपनी जमीन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। 40% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित हैं, ये पहले ही प्रियंका गांधी बोल चुकी हैं, बता चुकी हैं। तो ऐसे में जो हम देख भी रहे हैं, महिलाओं के लिए बराबर सीट्स रखी भी जा रही हैं। 16 महिला उम्मीदवारों के आज नाम सामने रखे गए हैं।